रामेश्वर से राहुल गांधी मिले और अपने YouTube चैनल पर वो पूरा मुलाकात का इंटरव्यू अपलोड कर दिया। इस इंटरव्यू को देखने के बाद जवाब तो मिल गया होगा अमित मालवीय एंड कंपनी कि आखिर रामेश्वर को माइक क्यों लगा था। भारत मिलाप होता है जैसे सुदामा का और कृष्ण जी का मिलाप हुआ था, ऐसे ताले आज मेरा। पिछली बार भी किसानों से बात करते हुए ये सवाल नरेंद्र मोदी को भी संसद में बहुत हास्यास्पद तरीके से पूछने पर मजबूर कर रहा था कि देखिए माइक लगाकर वहां पर जाते हैं, क्या दिक्कत है आपको माइक से। तो जब एक आम आदमी की, जिसकी आवाज आप तक पहुंचती हुई भी आप पहुंचने नहीं देते, तो उसकी आवाज को और बुलंद करने के लिए माइक लगा दिया गया है, इतना दर्द किस बात का होता है। टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पर दो कंपैरिजन वाली फोटोग्राफ्स इस्तेमाल की थी जब राहुल गांधी रामेश्वर से मिले थे। उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर लगाई रामेश्वर के साथ मिलने की, जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा रियल, जब राहुल गांधी असली राहुल गांधी मिले रामेश्वर से असलियत में। और दूसरी तरफ उन्होंने तस्वीर लगाई, आपको पता है ना नरेंद्र मोदी जी के कटआउट लगे हुए, और जाकर आप जाके फोटो खिंचा सकते हैं, सेल्फीज लगाइए कि भाई देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, असल में तो कितना ही मिल रहे हैं वो आपसे, आपको पता है। तो उन्होंने लिख दिया कि और ये देखिए कार्डबोर्ड, प्रधानमंत्री कार्डबोर्ड के रूप में लोगों से मिल रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री वो खुद हैं, जननायक हैं। और एक गरीब आदमी ने इच्छा व्यक्त की राहुल गांधी से मिलने की, तो वो उससे मिल पड़े। और मुलाकात के दौरान, अब मैं आपको जरा एक फर्क बताती हूं, लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की तरह देश को, राष्ट्र को संबोधन देना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री की तरह बात रखनी चाहिए थी, ना कि किसी प्रचार मंत्री की तरह, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार मंत्री की तरह, हर किसी ने ये बात कही कि भैया ये क्या है, किसी भी प्रधानमंत्री को इनसे पहले हमने कभी नहीं देखा इस तरह का भाषण इलेक्शन रैली समझकर लाल किले की प्राचीर से कहते हुए, ये पहली बार होगा। और उनके मुंह से क्या वही सारे शब्द जो हर बार कहीं भी, चाहे वे संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, चुनावी रैली में हो, या फिर चुनावी रैली ना होकर किसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन दे रहे हो, परिवारवाद, पूरा विपक्ष पर हमला बोलना। और वहीं जब रामेश्वर को राहुल गांधी ने अपने घर बुलाया मिलने के लिए, तो राहुल गांधी ने उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर उनके परिवार में कौन हैं, वो क्या करते थे, कहां से आए हैं। इसे मैंने कहा था मुझे राहुल सर से मिलना है, जरूर मिलना है, मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो, मैं सर थोड़ी हूँ, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहां से आए आप? जागीरपुरी से आए हैं। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से है? यूपी। ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। क्या काम करते थे? तो उन्होंने कहा कि धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो शायद मैंने काम ना किया हो अपने परिवार का पेट पालने के लिए, और ऐसा कर करके मैं अपने परिवार को यहाँ तक तो ले आया हूँ। गाँव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जब दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का, मगर यहाँ और ज्यादा बदतर हो गया, गरीबी में झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा। उसके बाद बोलते बोलते रामेश्वर जी ने आगे ये बोल दिया कि देखिए ना सरकार कैसी है, ये तो किसी की सुनती नहीं है। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही है, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी खुशी कम मिलता है तो ज्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीच के अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ क्या करूँ। अब गाँव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे कोई भरोसा। और वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं रहता हमारा। हाँ, अब तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में, तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर, अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता, इन टांगों में दर्द होने लगता है, तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा, मैं तो मेहनत मेहनत तो कर रही मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की, आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। इसका मतलब है कि वो अपने आप बोलते बोलते उस जगह तक आ गए थे जहां पर
अगर अब आप सोच लीजिए कि सामने राहुल गांधी ना होकर सामने अगर नरेंद्र मोदी होते और जिस तरह की बात उन्होंने कांग्रेस के लिए विपक्ष के लिए किसी के लिए कह दी होती, या अगर कांग्रेस की सरकार होती तब कह दी होती और नरेंद्र मोदी सामने होते, तो वो इस पूरे मौके का कैसे फ़ायदा उठा सकते थे? कोई भी और लीडर होता तो कैसे मौके का फ़ायदा उठाता? इस पूरी कॉन्वर्सेशन को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया ही नहीं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो बोल सकते थे कि अच्छा बताइए ये सरकार क्या नहीं कर रही है, इस सरकार से आपको क्या परेशानी है, ये सरकार आप कह रहे हो कि सुनती नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं, क्या आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, ऐसे करते करते न जाने, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, सामने अगर इस तरह की बात आ जाए कोई भी उससे न जाने अनगिनत कितने सवाल पूछवा सकता है, पूछ सकता है, जिसके जवाब में ऐसे ऐसे जवाब खुलकर आएंगे जिससे कि फिर इन लोगों को मिर्ची लग जाएगी। एक सवाल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनका नाम लेते हुए, उनके ऊपर आक्रमण करते हुए, उनके ऊपर प्रहार करते हुए नहीं किया। ये सर किसी को जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की, आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरे पास मेरी बेटी यार बैठ। हाँ परिवार है, ये परिवार है भैया तेरे। उसके बाद बिठाया टेबल पर, उन्हें अपने हाथ से खाना परोसा, उनकी पत्नी का व्रत था तो उन्होंने पूछा और फिर उनको फल खिलाए। खाना खाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ हाँ आ जाओ अपने हाथ से खाना लाना। आज इनका व्रत है। व्रत तो फल भी अलाउ नहीं आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ, आप लीजिए आप लीजिए। ये बात करते करते, हाँ बात करते करते उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भैया हम ये चाह रहे थे कि हम इस तरह की एक योजना लेकर आए जिसमें कि पूरे साल में 72,000 रुपये एक गरीब के परिवार में उसको मिल सकते हैं, जिसमें कि आप ये मान सकते हैं कि हर महीने का 6,000 रुपये बैठेगा। स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? महीने के 6,000? सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए क्योंकि करोड़पतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता। हाँ तो थोड़ा सा पैसा, सही बात है, गरीबों हमारे गरीबों को गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। परिवार को पालने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, उनके पास पैसा नहीं था, सब्जी मंडी से खाली ठेला जब लेकर जा रहे थे तो कोई और सब्जी भी नहीं भर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा इतने पैसे ही नहीं है। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में कतई। अब तो है। हाँ आप साल अब आप ऐसी बात नहीं करोगे, भगवान ने आशा बना तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करो, जैसे केवट की नाव है बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। इतने लंबे भाषण में से जो कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिया, कितनी बार तो आपने परिवारवाद शब्द सुन लिया होगा। संसद में भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए, मणिपुर पर जब इतना फोर्स करके उनको संसद में आने पर मजबूर किया गया, तो कितनी बार कांग्रेस पार्टी डायनेस्टी परिवारवाद ये सब चीज़ें कितनी बार बोल गए, मुझे इतनी गाली पड़ती है, सब चीज़ें वो अपने बारे में बना लेते हैं, चुनावी प्रचार में भी जाते हैं सब मुझे इतनी गाली देते हैं, मुझे इतना ये कहते हैं वो कहते हैं, सब कर दिया। जस्ट लुक एट दिस इंटरव्यू, 8 मिनट के इस इंटरव्यू में इट्स अबाउट रामेश्वर जी, रामेश्वर जी बोल रहे हैं, रामेश्वर जी अपने दिल की बात बोले जा रहे हैं, और रामेश्वर जी ने जिनको नहीं समझ में आया कि आखिर उन्होंने राहुल गांधी से ही मिलने की इच्छा क्यों जताई थी, वो इस इंटरव्यू से समझ में आएगा क्योंकि उससे पहले जब उन्होंने वो वीडियो देखा जो राहुल गांधी ने कहा, जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ उस दिन दूसरे ही दिन आपको मालूम था कि मैं आपको मिलने आपको ढूंढने गया था। हाँ दूसरे ही दिन पहुंच गए थे आप। खाइए। वीडियो वायरल हुआ, सत्ताधारी दल में से कौन ऐसा बड़ा नेता मंत्री है जिन्होंने रामेश्वर जी की सुध लेने की कोशिश की हो, तो ये माइक ना अमित मालवीय इसलिए लगाया गया था। किसी एक व्यक्ति की भक्ति में ना इंसान होना खत्म मत करो, अपने मोदी जी से भी कहो कि सिर्फ अपने ऊपर ही कैमरा फोकस करा के मत हमेशा हाथ हिलाते हुए दिखाई दिया करें, गरीबों की भी सुन लिया करें, उनके ऊपर माइक लगा दीजिए, उसकी आवाज़ को कहीं पर तो दबने से रोकिए।
माइक से और गरीब की आवाज़ बुलंद होने से बड़ा डर लगता है आप लोगों को, ये तो पूरे देश ने देख लिया है। और ये पूरा देश बैठकर ज़रा ये राहुल गांधी वाला इंटरव्यू देखे और ज़रा समझने की कोशिश करे, कहाँ उन्होंने किसी नेता की तरह या अपने मौका परस्त होते हुए उनसे ऐसी बात बुलवाने की कोशिश की जो कि शायद उनको फ़ायदा करती। पूरे इंटरव्यू में देखिए रामेश्वर जी कितना खुलकर बोल रहे हैं और राहुल गांधी सुन रहे हैं। दैट आर्ट ऑफ लिसनिंग हैज़ जस्ट गॉन अवे फ्रॉम टुडेज़ पॉलिटिक्स। लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, आपके ऊपर तस्तीजे थोप देना चाहते हैं, पर आप क्या बोल रहे हैं आपको कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। किसी को आवाज़ दी गई और उसको सुनने के लिए अगर उसको एक मंच दे दिया गया माइक लगाकर, तो इतनी आपत्ति किस बात की थी। आप भी कर दीजिए ना, माइक लगाइए गरीब के ऊपर और उसकी आवाज़ बुलंद कीजिए, उसकी शिकायतें तो सुनिए, शिकायतें सुनकर तो देखिए, उसका दर्द बांट कर तो देखिए। आप लोगों के आपके कहने पर एक अपील पर लोग क्या क्या नहीं कर देते, बीमारी के दौर में भी दिए जला लेते हैं कि इससे जैसे कि पता नहीं कोरोना भाग जाएगा, नहीं भी भागेगा कोई नहीं भैया प्रधानमंत्री ने कहा है, ताली और थाली बजा लेते हैं, कोई बात नहीं बीमारी नहीं भी भागेगी लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कही है। और आप ऐसी जनता को संबोधन करते हुए भी अपनी नाकामियां तक नहीं बात करना चाहते, अपनी नाकामियों तक को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते और लाल किले की प्राचीर से भी 15 अगस्त के दिन परिवारवाद करते रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सत्यमेव जयते।